यहाँ पर एक्सरसाइज 7.9 का थ्योरी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। यहाँ पे एरिया ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का एरिया किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर देखिए y इक्वल टू वक्र y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, ये कोटियाँ हैं तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल को इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लोअर लिमिट a टू b से सूचित किया जाता है। इसको पढ़ेंगे का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लोअर लिमिट a टू b या लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b पढ़ते हैं। माना कोई फलन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का x कोई बिंदु है अंतराल अंतराल a से b में, बिंदु है अंतराल में और संतत तथा परिभाषित हो ए से बी में, तो बी में तो संतत और परिभाषित हो ए से बी में, बिंदु है अंतराल में और संतत तथा परिभाषित है इतना में, तो देखिए इधर संतत है तो यहां से ई एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, इस एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से हमें एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक लेना है ग्राफ, तो ए से बी लेंगे, ए से क्या लेंगे बी, ये हो गया ए से बी तक जा रहा है एक्स, और एफ ऑफ एक्स मतलब ये लाइन हो गया, ग्राफ हो गया मतलब, और इसके बाद में एक्स अक्ष मतलब ये लाइन हो गया, ए एक्स इक्वल टू ए का ई लाइन है, x इक्वल टू बी का ई लाइन है और एक्स अक्ष ई है, एक्स अक्ष का ई है, इससे घिरे पूरे क्षेत्रफल का एरिया क्या करेगा देगा, एरिया देगा कौन, इंटीग्रेशन देगा, कौन देगा इंटीग्रेशन देगा। चलिए ठीक है, इसके डिग्री पहले भी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एस ए टू बी, यदि एफ ऑफ एक्स का आई सी जी ऑफ एक्स प्लस सी हो तो, यदि एफ ऑफ एक्स का आईसी कितना हो जी ऑफ एक्स प्लस सी हो तो इसका आईसी लिख दिया जी ऑफ एक्स प्लस सी अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालेंगे तो जी ऑफ बी प्लस सी या जी ऑफ बी जी ऑफ ए माइनस प्लस सी, सी से सी का हो गया कट गया, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए हो गया, जहाँ ए लोअर लिमिट निम्न सीमा तथा बी अपर लिमिट क्या है उच्च सीमा है। इसके बाद चलते हैं अगला थ्योरी, ठीक है, यस सर। इम्पोर्टेंट रिजल्ट में यह फॉर्मूला है इंटीग्रेशन साइन के पावर एन एक्स डी एक्स लोअर लिमिट जीरो टू अपर लिमिट पाई बाई टू हो या कॉस के पावर एन एक्स डी एक्स हो लोअर लिमिट जीरो टू अपर लिमिट पाई बाई टू हो, तो फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस विषम संख्या घटाते जाएंगे, दो या वन आने पर क्या कर देना है रोक देना है, घटाते जाएंगे दो या एक दोनों में कोई एक आ जाएगा तो वहां पे क्या कर देना है रुक जाना है, ठीक है, उससे आगे नहीं बढ़ना, फिर नीचे में एन इंटू सम संख्या घटाते जाएंगे, दो एक आएगा तो क्या करेंगे रोक देंगे, यदि एन का स्टार्टिंग सम संख्या से होगा तो गुणा वन करेंगे, वही एन विषम संख्या रहेगा ये एन सम संख्या रहेगा तो गुणा में वन लिख के छोड़ देंगे, यदि यही एन विषम संख्या रहेगा तो गुणा में पाई बाई टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे पाई बाई टू लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रहे हैं वही चीज अभी है, ये भी वही चीज है, दोनों ही तो सेम है, लेकिन खाली जब भी सम रहेगा तो वहां पे लिखेंगे वन और विषम रहेगा तो क्या लिखेंगे गुणा में पाई बाई टू, जैसे एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेट आई इक्वल टू मान लीजिए इसको जीरो से पाई बाई टू हो गया, साइन के पावर सिक्स एक्स का निकाल रहे हैं डी एक्स का, यहाँ एन इक्वल टू सिक्स है, सम है कि विषम है, सम है मतलब इवन है, इवन है, और जब इवन है तो आप देख ही रहे हैं इवन होगा तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सिक्स से चालू होगा देख रहे हैं सिक्स माइनस वन, यहाँ पर लिखेंगे सिक्स माइनस वन देन सिक्स माइनस थ्री, देख रहे हैं थ्री करते जाएंगे, थ्री घटाने के बाद सिक्स घटाने के बाद टू नहीं आ रहा है, थ्री घटाने के बाद टू नहीं आ रहा है, और देखिए सिक्स में घटाएंगे क्या फाइव, टू नहीं आ रहा है तो वन आ रहा है ना, तो वन आएगा तब रोक देंगे, और टू आएगा तब रोक देंगे ना, वन आ गया तो क्या करेंगे रोक देंगे,
उसी तरह नीचे के हालात, यहाँ पे सिक्स है और सिक्स में सम संख्या घटाएंगे, टू घटाएंगे तो टू नहीं आ रहा है, नहीं वन नहीं आ रहा है, सिक्स में क्या घटाएंगे, फोर, फोर घटाएंगे टू आ गया ना, तो टू आ गया तो क्या करेंगे, रोक देंगे। और एन सम संख्या है, एन जब सम के मान सम संख्या रहेगा तो आपको गुणा करना है यहाँ से कब, तो वन से, सम संख्या तो वन से गुणा करेंगे, यदि यही एन विषम रहता तो पाई बाई टू से गुणा करते, यहाँ लेकिन सम है तो हम कहाँ से गुणा करेंगे, वन से। इसको सोल्यूशन कर दीजिए, इसका सोल्यूशन कीजिए कितना रहा, इसका देखिए सोल्यूशन करते हैं, ये हो जाएगा पाँच गुणा में, ये हो जाएगा तीन गुणा में एक ना, बटा में कितना हो जाएगा, छः गुणा चार गुणा दो, ठीक है, तो तीन से कटेगा के बार में, दो बार में, राइट है। अब देखिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा पाँच बटा में चार दूनी के आठ, आठ दूनी के सोलह, तो पाँच बटा में कितना आएगा इसका आंसर, सोलह आएगा, सम है तो उल्टा लिखा गया ना यहाँ पे, यहाँ पे पाई बाई टू कीजिए, पाई बाई टू है यहाँ पे, कहा है वन है, यहाँ पे वन है, विषम में वन है, यहाँ पे पाई बाई टू कर दीजिए, वही चीज है, क्या कर देंगे, पाई बाई टू कर देंगे, गुणा में पाई बाई क्या हो गया टू, तो इसको जब गुणा करेंगे कटाएंगे तो देखिए क्या आ रहा है आपका, तो आपका रहा है कितना रहा है, सोलह ना, तो सोलह दूना कितना हो गया, बत्तीस ना, तो बत्तीस हो गया पाई, यानी दिस इज द का हो गया आंसर, ठीक है। देखिए दूसरा यहीं पर बना रहा है, दो नंबर क्वेश्चन कौन सा, ठीक है, यहाँ देखिए लेट आई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा जीरो से पाई बाई टू है, ठीक है, ये पॉजिटिव पावर सिक्स से स्क्वायर दिया है, अब यहाँ देखेंगे एन इक्वल टू कितना है, सिक्स, ये का है सम है, सम है तो सम है तो उसी तरह से चलेगा, हाँ यही यही रूल लगता है, कॉस में भी और साइन में भी, तो कितना हो जाएगा, सिक्स माइनस वन, सिक्स माइनस थ्री, विषम संख्या घटाते जाएंगे, घटाएंगे तो टू वन नहीं ना है, नहीं यहाँ पे होता घटाएंगे, सिक्स माइनस फाइव, टू नहीं आया तो वन आ गया ना, तो रोक देंगे, नीचे में भी सिक्स और सिक्स में से टू घटाएंगे, सम संख्या टू घटाएंगे तो टू वन नहीं ना है, नहीं तो चलेंगे आगे, अगला सम संख्या घटाइए, सिक्स माइनस फोर, वन नहीं आया तो टू आ गया ना, आ गया, गुणा में कितना होगा सम संख्या, तो फाइव बाई टू होगा, इसका कैलकुलेशन होगा तो कितना आएगा, देखिए करके करते हैं यहीं पर, फाइव गुणे थ्री गुणे वन बाई सिक्स गुणे फोर गुणे टू गुणे फाइव बाई टू ना, फाइव बाई कितना हो जाएगा टू, अब देखिए यहाँ पे ये थ्री टू जो कितना हो जाएगा सिक्स, तो ये हो जाएगा आपका फाइव बाई बाई थर्टी टू बाई चार गुना चार गुना सोलह गुना बत्तीस, ठीक है, तो दिस इज द का हो गया आंसर, यही अगर इनके मान विषम संख्या रहेगा तो वन से गुणा करेंगे, कहाँ से गुणा करेंगे, वन से गुणा करेंगे। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर बनाने, थ्री नंबर, ठीक है, तो चलिए इसके बाद बनाते हैं थ्री नंबर, तो थ्री नंबर क्वेश्चन क्या लिखा था, देखिए जीरो से पाई बाई टू था और साइन के पावर था फाइव एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर एन इक्वल टू फाइव है, यानी क्या है, विषम है, विषम मतलब ऑड, क्या है, ऑड है, ठीक है, ऑड है, तो ऑड के लिए क्या लिखे थे, फॉर्मूला वही रहेगा, गुणा होगा वन से, तो देखिए फाइव से चल होगा फाइव माइनस, फाइव माइनस कितना हो जाएगा, विषम, वन नहीं आ रहा है, नहीं टू आ रहा है, फाइव माइनस विषम अगला तीन, तो दो आ गया, तो यहाँ पे क्या कर जाएंगे, रुक जाएंगे, टू आ गया ना, तो यहाँ पे रुक जाएंगे, इसके बाद में फाइव हो गया, अब फाइव में से सम संख्या कटेगा टू, तो ये टू नहीं आ रहा है, फिर फाइव में से क्या कटेगा फोर, तो ये वन आ गया, रुक जाएंगे, गुणा में विषम है तो वन होगा, विषम है तो वन होगा, इसका कैलकुलेशन कर दिए, फोर गुणा थ्री बाई फाइव गुणा थ्री गुणा वन, तो बराबर कितना हो गया, थ्री से थ्री का हो गया कट गया इक्वल टू फोर बाई कितना हो गया फाइव, दिस इज द का हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, फोर जब चलेंगे तो लेट
आई इक्वल टू यहाँ पे चलेंगे जीरो से कितना पाई बाई कितना हो गया कहाँ पे यहाँ पे तो यहाँ पे टू लिख दो टू होगा तो टू लिखेंगे तो इतना होगा एट बाई कितना हो जाएगा फिफ्टीन एट बाई कितना होगा फिफ्टीन आंसर हो जाएगा ये कटेगा नहीं यहाँ पे घटेगा तो थ्री टू बचेगा ठीक है चलिए ठीक है एट बाई फिफ्टीन आंसर यहाँ पे कॉस के पावर फाइव का यही चीज होता है कॉस में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है यही चीज होता है तो फाइव है फाइव में से ऑड नंबर घटाएंगे टू वन नहीं आया तो फिर घटाएंगे ऑड अगला ऑड यानी फाइव माइनस थ्री तो टू वन आ गया तो इसलिए क्या करेंगे रोक देंगे फिर फाइव लिखेंगे फाइव में से इवन घटाएंगे फाइव माइनस टू टू वन नहीं आ रहा है तो फिर अगला इवन घटाएंगे फाइव माइनस फोर तो टू टू नहीं आ रहा वन आ जा रहा है गुणा में क्या लिखेंगे और ऑड है तो वन इसके बाद सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे क्या बचेगा फोर गुणे टू बाई फाइव इंटू थ्री इंटू वन इक्वल टू हो जाएगा एट बाई कितना फिफ्टीन दिस इज द क्या हो गया आंसर पाई बाई टू ठीक है यहाँ पे पाई बाई टू है ठीक है जीरो से पाई बाई टू रहेगा तब ये क्वेश्चन क्या होगा बनेगा इससे बाद में चलते हैं अगला थ्योरी ठीक है अगला थ्योरी में दिया गया आपका वो था एक नंबर यहाँ पे दो नंबर चल रहा है ठीक है यहाँ पर ये फॉर्मूला है आपका डबल में साइन के पावर एम एक्स बाई इंटू कॉस के पावर एन एक्स ऊपर वाला में पहले ए माइनस विषम ए माइनस अगला विषम ए माइनस अगला विषम करेंगे और नंबर घटाते जाएंगे टू वन आएगा तो रोक देंगे वह कम हुआ एन में से करना है एन माइनस विषम अगला विषम एन माइनस अगला विषम और टू वन आएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे रोक देंगे जब दोनों विषम घटाते रहेंगे नीचे में एम प्लस एन करेंगे फिर एम प्लस एन माइनस सम एम प्लस एन माइनस अगला सम एम प्लस एन माइनस अगला सम करते करते टू वन आएगा तो क्या करेंगे रोक देंगे और जब एन के एम और एन दोनों सम संख्या हो सम पूर्णांक हो एम और एन दोनों सम संख्या रहेगा तो गुणा करेंगे पाई बाई टू और दोनों में सम के अलावा थोड़ा सा भी अलग रहेगा दूसरा सम विषम विषम सम विषम विषम तो वहाँ कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे वन से वहाँ कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे वन से लिखा है जहाँ एम और एन सम संख्या के अलावा पूर्णांक संख्या हो सम संख्या के अलावा पूर्ण संख्या हो मतलब दोनों सम का हो न हो दोनों सम न हो तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे वन से जैसे क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूशन करते हैं वन का सोल्यूशन देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है लेट आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू है जीरो से क्या है पाई बाई टू है ये है साइन के पावर फोर एक्स आई इंटू कॉस के पावर फोर एक्स ये हो गया dx इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा m बराबर चार है एनो बराबर कितना है चार है दोनों सम है का दोनों m तथा n का सम है सम पूर्णांक है का सम पूर्णांक है देखो जब m तथा n सम पूर्णांक होता है ये काम करेंगे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा सबसे पहले फोर लेंगे विषम घटाएंगे वन विषम घटाने के बाद दो वन नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है तो फिर अगला विषम घटाइए दो चार माइनस दो फोर माइनस टू देखिए सम विषम माने दो वन में आ रहा है कौन हाँ दो आ रहा है फोर माइनस टू घटाने पर कितना आ रहा है टू आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे फिर गुणा में अब यहाँ पे आप थ्री घटाएंगे तब वो वन आ जा रहा है ना वन आ जाएगा तब वो क्या करेंगे रोक देंगे अब ये यही क्वेश्चन अगला में ये भी फोर माइनस कितना हो जाएगा वन ये आ जाएगा थ्री माने टू वन नहीं आ रहा है तो अगला चलेंगे फोर माइनस कितना अगला भी सम थ्री यहाँ पे वन आ जा रहा है तो क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे घटा कर देखते रहेंगे हमेशा वन आएगा ब्रेक कर देंगे नीचे में क्या कहता है कि दोनों को जोड़ो पहले चार प्लस चार एम प्लस एन भी माइनस सम संख्या घटाओ तो सम संख्या घटाओ चार प्लस चार कितना हो गया आठ आठ माइनस दो सामने दो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है तो फिर चार प्लस चार माइनस चार अगला सम देखो आठ में से चार गया तो दो नहीं आ रहा है फिर अगला चार प्लस चार माइनस कितना हो जाएगा अगला सम छः तो देखिए आठ में से छः गया कितना बच गया दो तो दो आ गया तो रोक देंगे ना और दोनों सम संख्या है तो गुणा करेंगे कहाँ से पाई बाई टू से अब इसको हल कर देते हैं कितना आता है एन प्लस एन का किसका एन प्लस एन क्या लिखा है
एम प्लस एन रखेंगे तब दो चार चौ आठ ना, तो हाँ तो एम प्लस एन कर दो पहले, फिर इसको बना दो दो, इसको बना दो फोर ना, तब तो एगो और स्टेप लिखना होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर प्लस एम प्लस एन और माइनस सिक्स, ठीक बा, गुणा में पाई में कितना हो गया टू, ठीक है। तो अगला स्टेप में यही पहल कर देते हैं आगे, ठीक है। यह देखिए कितना बचेगा, थ्री गुणा वन गुणा थ्री गुणा वन बटा में आठ, गुणा में कितना हो जाएगा, आठ माइनस दो छ, आठ माइनस चार चार, आठ माइनस छ दो, कहाँ से कटेगा, तीन दूना के छ। अब देखिए कितना होगा, गुणे पाई बाई टू, ध्यान दीजिएगा, तो थ्री पाई हो गया, ऊपर में क्या हो गया, अब बटा में आठ दूना सोलह दूना बत्तीस दूना चौसठ, चौसठ चौके चौसठ दूना एक सौ अट्ठाईस, दो सौ छप्पन, दो सौ छप्पन का हो गया आंसर, ठीक है। तो ये पहला आपका सवाल क्या हो चुका, बन चुका। इसी तरह से वो भी सम है तो दूसरा भी बनेगा, ठीक है। चले तो आगे बनाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पाई बाय टू है, दूसरा क्वेश्चन है साइन के पावर कितना है सिक्स एक्स इंटू कॉस के पावर कितना है सिक्स एक्स डी एक्स, यहाँ एम बराबर सिक्स है, एनओ बराबर का है सिक्स है, जो का है सम संख्या का है, सम मतलब इवन है, इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है। अब देखिए यहाँ पे जब इवन इंटीजर होता है तो ऊपर में क्या करता है सिक्स माइनस बी सम मतलब वन घटाएंगे, सिक्स माइनस यहाँ वन टू नहीं आया तो घटाएंगे अभी, और अगला बी सम कितना हो जाएगा थ्री, तो थ्री घटाएंगे तो वन टू नहीं आया, अगला विषम घटाइए सिक्स माइनस फाइव हो गया इसका कहानी। अब एन वाला कहानी पे जाए, ये एम वाला था, एन वाला कहानी फिर यही होगा सिक्स माइनस वन सिक्स माइनस थ्री और सिक्स माइनस फाइव, राइट। अब देखिए नीचे की कहानी, पहले एम प्लस एन लिखता है, क्या लिखता है, यानी सिक्स प्लस सिक्स, अब दोनों को जोड़ के घटाएगा ई घन माइनस टू, बारह में से दो गया तो दस बच गया, दो नहीं ना है, नहीं आया तो फिर कटे छ प्लस छ माइनस चार, ये भी नहीं आएगा बारह प्लस चार आठ, सिक्स प्लस सिक्स माइनस सिक्स, अभी तो छ आया, फिर सिक्स प्लस सिक्स माइनस एट फोर आया, सिक्स प्लस सिक्स माइनस टेन टू आ गया ना, तो क्या करेंगे रोक देंगे, आज सम संख्या है इसे कहा से फाइव एट, चले आगे देखिए कितना हो गया, फाइव गुणे थ्री गुणे वन गुणे फाइव गुणे थ्री गुणे वन बटा में देखिए ध्यान से ट्वेल्व गुणे दस में दस हो गया ना बारह में दो ए प्लस के गुणे कितना हो गया आठ आठ, ये गुणा कितना हो जाएगा छ, ये गुणा कितना हो जाएगा चार, ये गुणा हो जाएगा दो, अब फिर गुणा में हो जाएगा पाई भाई कितना टू, और देखिए कौन कौन कटेगा तीन दुना के छ, तीन दुना के तीन चौके बारह, अब और कोई कट रहा नहीं, पांच दुनी दस, पांच दुनी के दस कटेगा और कोई नहीं है, तब फाइव पाई अब भाई गुणा करो कितना हो जाएगा, देखो दो दुनी के चार, चार दुनी के आठ और चौके बत्तीस, बत्तीस दुना चौसठ, चौसठ चौके दो सौ छप्पन, दो सौ छप्पन में चौबीस आठ से दो सौ छप्पन में आठ से ये इसका गुणा होगा दो हजार अड़तालीस, जिससे दका हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन में यहाँ पर ट्राई लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था देखिए आप लोग, जीरो से पाई बाय टू है, साइन के पावर फाइव एक्स इंटू कॉस के पावर फाइव एक्स डी एक्स, ये एन इक्वल टू फाइव है, एन इक्वल टू फाइव है, यानी विषम है, क्या है विषम है, ठीक है, विषम पूर्णांक है, जब विषम पूर्णांक रहता है तो फार्मूला वही होता है आपको लिखना होगा, तो देखिए फार्मूला लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, पहले विषम यानी पांच माइनस वन विषम, दो एक नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे, फिर फाइव माइनस थ्री तो टू आ गया, रुक देंगे ना, अब गुणा में फिर इस फाइव के लिए एन के लिए फिर फाइव माइनस वन आई हो जाएगा फाइव माइनस कितना थ्री, रुक जाएगा
नीचे में दोनों का जोड़िए, पहले 5 प्लस कितना हो जाएगा 5, और फिर हो जाएगा 5 प्लस 5 माइनस 2, फिर हो जाएगा 5 प्लस 5 माइनस 4, तो कितना 10 6 आ रहा है ना, फिर 5 प्लस 5 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो 10 में 4 आ गया, एक बार और 5 प्लस 5 माइनस कितना हो जाएगा 8, ठीक है 2 4 6 8, ठीक है तो आ जाएगा ना 10 में से 2 घट 8 घटेगा 2 बचेगा तो आ जाएगा, तो गुणा में कितना होगा इधर विषम है, विषम में चलते क्या होगा 1 होगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं इनबिल्ट, अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 4 ना, 4 गुणा में 2 गुणा में 4 गुणा में 2 बटा में इधर देख 10 गुणा 8 हो जाएगा ना, गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2, देखिए 2 4 से 2 4 गया और 4 2 8 से 8 गया, ठीक है तो इक्वल टू कितना हो गया ऊपर में हो गया 1 बटा में 60, दिस इज द का हो गया आंसर। इसके बाद 4 नंबर बोलिए 0 से पाई बाय 2 है, अगला बोलिए साइन के पावर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए साइन के पावर 3x है इंटू कॉस के पावर कितना है 3x dx है, यही क्वेश्चन है वो m बराबर कितना दे दिया 3 n बराबर 3 है तो क्या है विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, जब विषम पूर्णांक रहता है तो देखिए कैसे इस तरह से लिखाता है, देखिए 3 माइनस 1 करेंगे तो ऐसे आ गया 2 रुक देंगे अब गुणा में इसके लिए 3 माइनस 1 करेंगे विषम आ गया, नीचे में देखिए 3 प्लस 3 लिखेंगे फिर लिखेंगे 3 प्लस 3 माइनस 2 करेंगे तो 6 माइनस 2 नहीं आ रहा है नहीं, फिर करेंगे 3 प्लस कितना 3 6 में से घटाएंगे 4 तो कितना रहा है 2 आ गया ना, तो रोक देंगे अब विषम है तो गुणे कितना करेंगे 1, अब इसका कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 बटा में 6 गुणे 4 गुणे 2, तो 2 से कहा गया 2 दूनी के 4 से 4 गए तो बराबर कितना आ गया 1 बटा में 12 आ गया, 1 बटा में कितना हो गया 12 आंसर, ठीक है चलिए इसके बाद में चलते हैं अगला 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है चलिए अगला मिटाइए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, 5 m इक्वल टू 4 हो गया, n इक्वल टू 3 है यानी सम भी सम है, सम नहीं है, सम नहीं है तो सम नहीं है तो वही फॉर्मूला चलेगा 4 माइनस विषम करेंगे तो 2 1 नहीं आया तो 4 माइनस अगला विषम करेंगे तो 1 आ गया रोक देंगे, फिर 3 माइनस विषम करेंगे एक बार में 2 आ जाए तो छोड़ देंगे, इसके बाद में नीचे को ऐड करते हैं 4 प्लस 3 फिर 4 प्लस 3 माइनस सम करेंगे तो 5 माइनस 2 3 आ गया, 2 1 नहीं आया तो फिर करेंगे 4 प्लस 3 तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तब नहीं आया तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 तो ये कितना हो गया 7 माइनस 6 1 आ गया, 1 आ गया तो रोक देंगे यहाँ विषम सम नहीं है, खाली सम नहीं है दूसरा कुछ रहेगा तो 1 हो गया, सम नहीं रहेगा दोनों में दोनों सम रहना चाहिए, अगर सम नहीं रहेगा दोनों सम नहीं रहेगा तो कल से गुणा करेंगे 1 से, अगर दोनों सम रहेगा तो पाई बाई 2 से गुणा करेंगे, अब इसका कैलकुलेशन कीजिए 3 गुणा 1 गुणा 2 बाय 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 1 देख लीजिएगा, ठीक है ना 3 से 3 का हो गया कैंसिल ये आ गया 2 बाय 35 दिस इज द का हो गया आंसर। उसके बाद 6 नंबर भी है देखिए जल्दी 0 से पाई बाय 2 है ये उल्टा होगा साइन के पावर 5x इंटू कॉस के पावर 4x dx। अब देखिए यहाँ पे यहाँ भी वही हाल है वही है m इक्वल टू दिया हुआ है कितना 4 है 5 है n इक्वल टू है 4 सम नहीं है सम पूर्णांक
सम पूर्णांक नहीं है, और सम पूर्णांक नहीं है तो कहाँ से गुणा करता है? सम पूर्णांक जब नहीं रहता है तो गुणा करते हैं वन से। पहले लिखिए कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए। पहले नंबर एम माइनस बी सम, यानी पांच माइनस बी सम, पहले का भी सम, तो वन टू नहीं आया, तो फिर फाइव माइनस अगला भी सम, तो टू आ गया, रोक देंगे गुणा। फिर फोर माइनस बी सम है वन, तो टू वन नहीं आया, तो फिर फोर माइनस अगला भी सम थ्री, तो वन आ गया, तो क्या करेंगे, रोक देंगे। नीचे के हालात देखिए, दोनों को पहले जोड़ेंगे, फाइव प्लस फोर, अब फिर फाइव प्लस फोर माइनस बी सम करेंगे, नाइन माइनस वन कितना हो जाएगा, वो टू वन नहीं आएगा। फिर हो गया फाइव प्लस फोर माइनस थ्री, कितना हो गया, सात में से नौ में से छः गया, छः, तो वन टू नहीं आया, तब फिर करेंगे फाइव प्लस फोर माइनस फाइव, तो फोर हो गया, तभी नहीं आया, फाइव प्लस फोर माइनस सेवन, तो सेवन आ गया, तो नौ में से सात घट गया, दो आ गया, तो दो आ गया, तो छोड़ देंगे। सम नहीं है तो वन, सम नहीं है तो गुणा क्या करेंगे, वन। अब इसका कैलकुलेशन करिए, अब इसका क्या कीजिए कैलकुलेशन, ठीक है। जब भी सम नहीं रहेगा, दोनों सम नहीं रहेगा, तो वन से गुणा करेंगे, ठीक है। दोनों सम नहीं रहेगा तो क्या गुणा करेंगे, वन से। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, ये कितना हो गया आपका, फोर गुणा टू गुणा थ्री गुणा वन, बाटा में आपका हो जाएगा दस, पाँच नौ ना नौ, अब गुणा नौ में से गई आठ, गुणा नौ में से तीन गए छः, गुणा नौ में से पाँच गए चार, गुणा नौ में से सात गए दो। अब देखिए कटाइए, जो जो कटेगा चार दो से, चार दो कट गया, अब यहाँ पर तीन से कट गया कवर में, दो बार में, तो दो बार में जब कट गया तो इसके आगे लिख देते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ देखिए ऊपर में बचेगा का वन, नीचे का बटेगा आठ दूना सोलह, दोनों नवाज चौवालीस, डिसी टका हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, और देखिए यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है, यहाँ पे रॉन्ग क्या हो गया, देखिए यहाँ पे, यहाँ पर नीचे में विषम को घटाया जाता है, नहीं सम को घटाया जाता है, दो चार घटाएंगे पांच बचेगा, छ घटाएंगे नौ में से छ तीन बचेगा, यहाँ क्या घटाएंगे आठ घटाएंगे, विषम घटाया जाता है, सम नहीं, ठीक है। तो वो गलत था, ये अभी क्या कर दिए उसको सही कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ, यहाँ पे हो गया कितना, फोर गुणा दो टू गुणा थ्री गुणा वन, बटा में ये हो गया नाइन, और गुणा दो घटेगा नौ में से सात, और नौ में से चार घटेगा पाँच, और नौ में से छ घटेगा थ्री, नौ में से आठ घटेगा एक, ठीक है। अब कटाइए, थ्री से थ्री गया, अब तो कोई कटने लायक नहीं है, तो ये कितना हो गया, एट अपॉन पैंतीस, ये हो गया आपका तीन सौ पैंतीस, नौ हो जाएगा तीन सौ पंद्रह, ये दिशी दका हो गया आंसर हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, इसके बाद अगला थ्योरी, थ्री नंबर थ्योरी चल रहा है। देखिए इसके थ्योरी के लिए जीरो से वन रहता है, जीरो से वन रहता है, एक्स के पावर एम रहेगा, और वन माइनस एक्स के पावर एन डी एक्स रहेगा, इसका होता है फैक्टोरियल एम, इसका होता है फैक्टोरियल एन, बटा में इसका होता है फैक्टोरियल एम प्लस वन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इस पर से, वन नंबर एग्जाम्पल आपको देते हैं, जीरो से फोर एस के पावर फोर, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा डी एक्स, एक्स क्यूब यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर क्यू होगा डी एक्स। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जीरो से वन दे दिए, जीरो से वन दे दिए, एक्स के पावर फोर दे दिए, एस के पावर सिक्स दे दिए, और ये दे दिया आपको एक्स माइन वन माइनस एस के पावर दे देता है फोर डी एक्स। ये दो क्वेश्चन है, बनाना है इसको, ठीक है। चलिए चलते हैं बनाना।
वन का सोल्यूशन करते हैं। वन का सबसे पहले लेट आई इक्वल टू मान लेंगे, आई इक्वल टू हो गया आपका जीरो से फोर हो गया, वन जीरो से वन हो गया आपका, फोर नहीं होगा, जीरो से वन हो गया, ठीक है जीरो से वन है। यहाँ पर लिखा है एस के पावर फोर और वन माइनस एक्स के पावर थ्री डी एक्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखे है एम का फैक्टोरियल, एम है ई, आई का है एन है, एम का फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल फोर, एम का फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल थ्री, एम प्लस वन यानी फोर प्लस थ्री अब प्लस कितना हो जाएगा वन, आपका यही फॉर्मूला लगाए और फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो ये हो गया फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल थ्री, ये हो गया फैक्टोरियल एट। अब देखिए इसको किस तरह से तोड़ते हैं, नहीं आपके फोर को छोड़ देते हैं, फोर को फैक्टोरियल में छोड़ देते हैं, थ्री टू वन इसको तोड़ दिया, एट को भी तोड़ते हैं, एट सेवन सिक्स फाइव फैक्टोरियल फोर, फोर से फोर फैक्टोरियल का हो गया कैंसिल, और थ्री टू जो सिक्स है सिक्स कैंसिल, तो वन अपॉन कितना हो गया आठ सते छप्पन गुणे आंसर हो गया, गुणा करेंगे तो छप्पन अठे दो सौ अस्सी बीस तक का हो गया आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस सॉल्यूशन करते हैं दूसरा के, ये था आपका पहला के, दूसरा का सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू आपका दिया है जीरो से वन एस के पावर सिक्स और वन माइनस एस के पावर फोर डी एक्स। यहाँ पर देखिए आई एम है, आई ए का है एन है, एम में रहता है तो एम का फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल एम प्लस एन प्लस वन का फैक्टोरियल यानी छः प्लस चार प्लस वन का फैक्टोरियल। यहाँ देखिए इसके बाद में फैक्टोरियल सिक्स को छोड़ देते हैं, फोर थ्री टू वन तोड़ दिए, ये फैक्टोरियल कितना आएगा आपका एलेवन ना, एलेवन आएगा तो ये हो गया फैक्टोरियल सिक्स, फोर थ्री टू वन बाई यहाँ पर तोड़िए इलेवन इंटू टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन सेवन और फैक्टोरियल सिक्स, फैक्टोरियल सिक्स से सिक्स का हो गया कैंसिल हो गया, अब देखेंगे टू फोर जा एट थ्री थ्री जा नाइन, देखिए अब इसका आंसर कितना है मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर में क्या बच गया वन, नीचे में आ गया दस तीन तीस, तीस हमें हो जाएगा तीन सौ दस, ये आएगा दो हजार तीन सौ दस, इसी तक हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक थ्योरी और लास्ट लिखते हैं फोर नंबर थ्योरी, ठीक है। चार नंबर थ्योरी आपका देखिए कितना है जीरो से पाई में काम करेगा, इसका थ्योरी है साइन एन एक्स, साइन एन एक्स बाई ये साइन एन एक्स है और बाई है साइन एक्स और डी एक्स, इसका थ्योरी होता है आपका ये जीरो होगा जब एन बिलोंग्स करेगा आई सम, सम मतलब इवन, ये पाई होगा कॉस जब एन बिलोंग्स करेगा आई बी सम, बी सम मतलब ऑड, बी सम मतलब ऑड। चलिए ठीक है यही थ्योरी आपका एग्जांपल देते हैं इसका, वन नंबर, वन नंबर ये देता है जीरो से पाई है साइन चौवन पाई चौवन एक्स बटा साइन एक्स, दूसरा एग्जांपल जीरो से पाई साइन माइनस पंद्रह एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तीसरा नंबर देख लीजिए तो जीरो से पाई हो गया एस आई एन साइन टेन एक्स बाई साइन एक्स, ये तीनों क्वेश्चन का क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं, ये थ्री क्वेश्चन दिया गया है, थ्री क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए। सोल्यूशन नंबर वन लेट आई इक्वल टू जीरो से पाई है एस आई एन साइन चौवन एक्स बाई साइन हो जाएगा एक्स,
यहाँ n इक्वल टू देखिए कितना है, n इक्वल टू 54 है, सम है कि विषम है, सम है, जब सम होगा तो आपका इसका वैल्यू i इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, आंसर बोल रहा है सम होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेट i इक्वल टू जीरो से पाई है साइन माइनस 15x बाई साइन x डी x। अब यहां पर चलेंगे माइनस में फॉर्मूला नहीं होता तो माइनस को बाहर निकालेंगे, साइन का माइनस बाहर निकल जाता है जीरो से पाई, ये हो गया साइन 15x अब बाई साइन x। n इक्वल टू कितना दिया है 15, 15 दिया है क्या है, विषम है, जब विषम होता है तो i इक्वल टू होता है कितना पाई, अब पहले से था का माइनस, इसे देखा हो गया आंसर। इसी प्रकार थर्ड नंबर देखिए, जीरो से पाई साइन 10x बाई साइन x, ये हो गया आपका dx, n इक्वल टू कितना है 10, 10 का है सम है, सम पूर्णांक है, जब सम पूर्णांक रहता है तो इसका i इक्वल टू कितना हो जाता है जीरो, सीधा क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद 7.9 का थ्योरी का हुआ खत्म, कल से चलेगा 7.9 का चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है, चलिए आगे। हाँ माइनस वन से वन सर, एक्स प्लस वन है डी एक्स है राइट, अब इसका सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आईसी करके अपर माइनस लोअर करो, तो आईसी करो इसका, आईसी करते हैं पावर वन है, पावर बढ़ा के पावर से भाग करो, अब प्लस वन का आईसी एक्स, वन का आईसी एक्स माइनस वन से कितना हो गया वन, अब रखो अपर लिमिट, अपर लिमिट वन के स्क्वायर बाई टू प्लस वन माइनस लोअर लिमिट माइनस वन के स्क्वायर बाई टू माइनस वन, इसका वन बाई टू हो गया प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस वन, ये हो गया कैंसिल कैंसिल, आंसर हो गया कितना टू इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, जब टू में चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां देखिए लेट आई इक्वल टू, ये हो गया आपका टू से थ्री, वन बाई एक्स डी एक्स है, वन बाई एक्स के आई सी, वन बाई एक्स के आई सी, अब देखिए वन बाई एक्स डी सी सेट है, ऐसे भी हो जाएगा लॉग मोड एक्स, ठीक है, तो चलते हैं इसके बाद में लॉग मोड एक्स। अब देखिए टू से कितना है थ्री, अब यहां पर रखेंगे अपर लिमिट लॉग थ्री, मॉड भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लॉग कितना हो गया टू, अब देखो ये पॉजिटिव है का पॉजिटिव मॉड हट जाएगा, यहां पे आगे लिख देते हैं इसका आंसर, यहां पर जब चलेंगे तो आपका हो गया एल ओ जी लॉग टू थ्री बाई टू, जब माइनस में तो नीचे चल जाता है तो थ्री बाई कितना हो गया टू, आंसर कहेगा मॉड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मॉड अपने आप का हो जाएगा हट जाएगा। थ्री नंबर क्वेश्चन, लेट आई इक्वल टू आपका दिया हुआ है वन से टू है, फोर एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन डी एक्स, इसका आईसी बारी फोर हो गया, पावर बढ़ा के पावर से भाग, पावर बढ़ा के पावर से भाग, माइनस फाइव बाहर निकल गया, पावर बढ़ा के पावर से भाग, एस का डीसी से डिवाइड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है, यहाँ पे प्लस सिक्स पावर बढ़ा के पावर से भाग एस स्क्वायर बाई टू और एस का डीसी से डिवाइड प्लस नाइन बाहर निकल गया डी एस का सी एक्स और वन से टू। अपर लोअर की कहानी नहीं कहना है इसमें, क्योंकि अपर लोअर की कहानी से कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, यहाँ देखिए कॉन्स्टेंट की कहानी नहीं करना है, यह बच गया जो लिखिए एक्स के पावर फोर माइनस फाइव बाई थ्री एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स, दिस इज द वन से टू। चले इसके बाद अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट रखेंगे टू के पावर फोर माइनस फाइव बाई थ्री इंटू टू के पावर थ्री प्लस थ्री इंटू टू के पावर टू प्लस नाइन इंटू टू, ऐसे दिक्कत रहे तो ऐसे दीजिए माइनस अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट डालिए वन के स्क्वायर माइनस फाइव बाई टू इंटू
वन के क्यू फाइव बाई थ्री थ्री है यहाँ पे, वन का क्यू हो गया अब प्लस थ्री इन टू वन के स्क्वायर प्लस नाइन इन टू वन। कैलकुलेशन कीजिए, सोलह माइनस आठ पचास चालीस बटा तीन प्लस बारह प्लस अठारह माइनस वन प्लस फाइव भाई कितना हो गया थ्री माइनस नाइन। देखिए कोई कटने लायक है तो कट रहा है, पहले देखिए यहाँ पे इसको जोड़िए, जो प्लस वाला है जोड़िए, उसके बाद ये हो गया सोलह बारह आठ बीस दस तीस दस चालीस चौ छियालीस, ये हो गया नौ तीन बारह तेरह माइनस चालीस बटा तीन, अब प्लस हो गया पांच बटा कितना तीन घटाइए तो ये थ्री बचेगा, ये थ्री हो जाएगा माइनस फोर्टी बाई थ्री प्लस फाइव बाई कितना हो गया थ्री। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके आगे बनाते हैं, देखिए एलसीएम लेके आगे बनाते हैं, ये हो गया थ्री नाइनटी नाइन माइनस फोर्टी प्लस फाइव, ये हो गया एक सौ चार माइनस फोर्टी बाई थ्री तो चौसठ बाई थ्री, दिस इज द क्या हो गया आंसर। उसके बाद में चलिए अगला क्वेश्चन फोर, ये हो गया जीरो से पाई बाई फोर और साइन कितना हो गया टू एक्स डी एक्स, साइन टू एक्स का ऐसी कीजिए माइनस कॉस टू एक्स और मुड़िया का डीसी से डिवाइड टू इंटू वन हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखिए जीरो से पाई बाई कितना हो गया फोर माइनस वन बाई टू बाहर निकाल दो, ये हो गया कॉस टू एक्स जीरो से पाई बाई फोर, यहाँ देखिए माइनस वन बाई टू हो गया, ये हो गया कॉस टू इंटू पाई बाई फोर माइनस कॉस टू इंटू कितना हो जाएगा जीरो, यहाँ पर देखिए टू से कट गया टू बार में माइनस हाफ हो गया कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस कितना हो गया जीरो, यहाँ पे हो गया माइनस हाफ यहाँ हो गया कॉस पाई बाई टू का मान जीरो माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया वन बाई टू इज द क्या हो गया आंसर। चलिए इसके बाद आगे चल फिर से एक बार देख ली साइन टू एक्स कैसे होगा माइनस कॉस टू एक्स, मुड़िया का डीसी से डिवाइड लीनियर है डीसी से डिवाइड करेंगे माइनस वन बाई टू बाहर निकाल दिए क्योंकि कॉन्स्टेंट पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए बाहर निकाल दिए, बाहर निकालने के बाद अपर माइनस लोअर कीजिए कटा पटा बचा सटा। इसके बाद देखिए इसका कॉस पाई बाई टू का वैल्यू हो गया कितना जीरो और कॉस जीरो का मान हो गया कितना वन, दिस इज द मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई टू इधर का हो गया आंसर। इसके बाद चलते हैं फाइव नंबर, फाइव नंबर क्वेश्चन दिया है लेट आई इक्वल टू हो गया है ये चीज है जीरो से पाई बाई टू है कॉस टू एक्स है कॉस टू एक्स डी एस, तो कॉस टू एक्स कैसे होता है साइन टू एक्स बाई टू इन टू वन, दिस इज लोअर लिमिट जीरो टू अपर लिमिट पाई बाई टू, ये हो गया वन बाई टू बाहर निकल गया, ये हो गया साइन टू एक्स जीरो टू पाई बाई टू, इसके बाद में हाफ हो गया ये हो गया साइन टू इंटू पाई बाई टू माइनस साइन लोअर लिमिट टू इंटू जीरो, ये हो गया आपका वन बाई टू टू से टू कैंसिल साइन पाई का मान साइन कईयों को पाई रहेगा जीरो और माइनस हो गया साइन जीरो का मान जीरो, दिस इज द इक्वल टू जीरो इज द क्या हो गया आंसर। इसके बाद आइए सिक्स नंबर, सिक्स नंबर क्वेश्चन है लेट आई इक्वल टू है आपका e के पावर x dx, अब फोर टू फाइव लोअर लिमिट फोर टू अपर लिमिट फाइव, e के पावर x का ऐसी आप लोग जानते हैं e के पावर x होता है मुड़िया का डीसी से यानी x का डीसी से डिवाइड्स, यहाँ पे हो गया फोर टू फाइव फोर टू फाइव, आइए देखते हैं अपर लिमिट e के पावर फाइव माइनस e के पावर फोर, अगर कॉमन कर लेंगे e के पावर फोर तो यहाँ बचेगा e माइनस वन, दिस इज द आंसर, ये भी आंसर हो सकता है। चले आगे इसके बाद में हो गया सेवन नंबर लेट आई इक्वल टू हो गया आपका सेवन में दिया टेन एक्स जीरो टू पाई बाई फोर जीरो टू पाई बाई फोर टेन एक्स और डी एक्स, टेन एक्स कैसी आप लोग जानते हैं
log mod sec x, log mod sec x i जीरो से पाई बाई फोर, सी नहीं लिख रहा है क्योंकि डिफिनेट में सी का जरूरत नहीं पड़ता है, अगर अकबू करेंगे तो माइनस करने में अपर माइनस लोअर सी कट जाता है, तो ये हो गया log mod sec पाई बाई फोर माइनस log mod sec जीरो, ठीक है। यहाँ पे देखिए log mod sec पाई बाई फोर का मान कितना होता है, बोलिए उर्दू आई हो गया कितना, cos जीरो का मान वन होता है माइनस log वन मॉड में, ये हो गया log पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा और जाएगा टू के पावर वन बाई टू हो गया माइनस, ऐसे लगा था ना मॉड, कोई दिक्कत नहीं, माइनस log वन के मान जीरो, यहाँ पर देखिए log टू के पावर हो जाएगा मॉड के पावर वन बाई टू, भीतर को चाहे बाहर को कोई फर्क नहीं है, वन बाई टू कूदा दो log वन बाई टू कूदेगा तो मॉड टू, मॉड टू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव दिस इज द का हो जाएगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलता है एट, कोसेक एक्स के आईसी, सीधे कोसेक एक्स के आईसी होता है log mod cosec x माइनस cot x, log mod cosec x माइनस cot x, अब कहेगा बुढ़िया का डीसी से डिवाइड, एक्स का डीसी डिवाइड कर दो कौन दिक्कत नहीं, पाई बाई सिक्स से पाई बाई फोर, अब यहां देखिए रखिए log mod, पहले अपर लिमिट रखिए cos x पाई बाई फोर माइनस cos पाई बाई फोर माइनस log mod cos x पाई बाई सिक्स माइनस cot पाई बाई सिक्स, अब यहां पर देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लिए, रखने के बाद में ये हो गया log cos x पाई बाई फोर के मान तो रूट टू हो जाएगा माइनस वन माइनस log cos x पाई बाई सिक्स के मान, सिक्स के मान तीस टू हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा cot रूट थ्री, और माइनस वाला भागा में चल जाता है log mod रूट टू माइनस वन बटा में टू माइनस रूट थ्री, इसका आंसर दिया है इतना ही, ठीक है। नाइन नंबर देखिए लेट आई इक्वल टू, ध्यान से देखिए ये दिया है जीरो टू वन, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया है डी एक्स, ये किसका डीसी है सोचिए, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर कहेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का है, साइन इनवर्स एक्स यही तो इसका आईसी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये डीसी है साइन इनवर्स एक्स का तो इसका आईसी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कहेंगे नहीं कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, लिख सकते हो माइनस लगा माइनस लगा के कॉस इनवर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हम साइन लिखे हैं पॉजिटिव में और जीरो से कितना हो गया वन, अब इसके बाद जब चलते हैं जीरो से वन है आपका लिमिट, यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, इसके बाद ये हो गया साइन इनवर्स वन माइनस साइन इनवर्स जीरो, इसको बना सकते हो साइन इनवर्स, ये हो गया साइन कितना पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स, और साइन कितना हो गया जीरो, ये देखिए साइन इनवर्स से साइन गायब हो गया, कितना हो गया पाई बाई टू माइनस जीरो इक्वल टू हो गया पाई बाई टू, इधर का हो गया आंसर। टेन नंबर देखिए, टेन नंबर आपका है लेट आई इक्वल टू, लेट आई इक्वल टू डी एक्स बाई दिया है वन प्लस एक्स स्क्वायर और जीरो टू वन है, जीरो टू वन है, यहाँ देखिए इसको लिख सकता है जीरो टू वन वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ देखिए ये किसका डी सी है टेन इनवर्स एक्स का, लिख दो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डी सी है तो एकर आई सी कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का डी सी है एकर आई सी हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, अगर कॉट इनवर्स कहेगा लिखेंगे हाँ लिख दो माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस में लिख सकते हो, अब लिमिट चढ़ाइए कितना जीरो से वन, अब इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट कीजिए इक्वल टू टेन इनवर्स वन डालेंगे माइनस टेन इनवर्स जीरो, इसको बना सकते हो टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर,
माइनस टेन इनवर्स टेन जीरो, टेन जीरो टेन इनवर्स है, टेन गैप हो गया। इसको चेक कर लो, चेक कर लेंगे तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, बीच में है तो हटेगा, हटेगा तो पाई बाई कितना हो गया फोर, माइनस ये भी जीरो है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना जीरो इक्वल टू पाई बाई फोर, इस तक आ जाएगा आंसर। इसके बाद अगला कल 11 नंबर कल।